हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शो सक्सेस विद केपी। तो आज का हमारा ब्लॉग होने वाला है नैनीताल। तो आज हम जाने वाले हैं नैनीताल। मॉर्निंग में सुबह हम 7 बजे उठ गए थे क्योंकि इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि नैनीताल जाने वाले हैं। तो अभी यहाँ हम मुक्तेश्वर में हैं। मुक्तेश्वर की ये मेन मार्केट है, छोटी सी मार्केट है ये, और यहाँ से हम गाड़ी में जाएंगे भटेरिया तक, और भटेरिया से हम बस लेंगे डायरेक्ट नैनीताल की, और आज हम बहुत इंजॉय करने वाले हैं। और ये मेरी फ्रेंड्स है मेरे साथ में, ये दोनों पहले नैनीताल जा चुकी हैं। लेकिन सेम एक्साइटमेंट इज देयर, सो वी आर वेरी 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 एक्साइटेड। गाड़ी यहाँ पर आ चुकी है, और जब तक अभी हमारी एक फ्रेंड रहती है तब तक वो आती है, तो आप यहाँ का व्यू देख सकते हो। अभी मुक्तेश्वर में ही इतना अच्छा व्यू देखने को मिलेगा, तो नैनीताल तो कितना सुंदर होगा। इट लुक्स ब्यूटिफुल, फ्रेश एयर। अभी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और अभी बंद, अभी देखिए पूजा की नाक बंद हो गई है, देरी हो गई है, मेरे तो चालू है। अच्छा, मेरी नाक बंद हो गई है। अभी टेम्परेचर इतना है, जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मैंने टेम्परेचर देखा 0 डिग्री हो चुका था, और जब मैंने दिल्ली का टेम्परेचर देखा तो वहाँ पे अराउंड 13 और 14 डिग्री टेम्परेचर था, तो इतना ज्यादा गैप है टेम्परेचर में। तो ऑब्वियसली ठंड तो है यहाँ पे, बट हमें इस ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हमें घूमने जाना है तो घूमने जाना। और कहीं कहीं पर आपको बर्फ देखने को मिल जाएगी, क्योंकि अभी बर्फ पूरी तरह से सूखी नहीं हुई है, लेट निकले 11 पहले वो करो। गाइस अभी हम भटेरिया पहुँच चुके हैं और बहुत अच्छी धूप आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मेरे पीछे आप व्यू देख सकते हो। बैठ चुके हैं और वेट कर रहे हैं कब ये चलेगी। चाय है और ये देखिए शशि चाय पी रही है, झूठ बोल रही है, पानी उसके बाद चाय जीवन है यार, जल ही जीवन है, सही बात है, और पहाड़ों पे चाय भी जीवन है, तो चाय बहुत जरूरी हो जाती है। Now we have reached Nainital and this is Naini Lake and the view is very much beautiful and यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक कर ली हैं, और अब इसके बाद हम जाएंगे कुछ खाएंगे, और फिर इसके बाद बोटिंग करने वाले हैं और बहुत सारा मज़ा करने वाले हैं। हम बहुत इंजॉय करने वाले हैं, हम कर भी रहे। तो गाइस अभी हम कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये नैनी लेक। अभी हम यहाँ पर यहाँ खड़े रहो, पीछे से मॉल रोड की गली है ये। आज ये देखिए ये कितना सुंदर चर्च यहाँ पर है, और आसमान भी कितना सुंदर हो रखा है, कितने सुंदर बादल आ रखे हैं। ये कि पूरा का पूरा ये मॉल रोड है। सो हेयर यू कैन सी नैनीताल ज़ू इज़ देयर। ये देखिए ये होटल एवरेस्ट, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अच्छे होटल्स हैं, यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। तो ये शीतला होटल है, काफ़ी सारे होटल हैं यहाँ पे, और ये एक सुंदर सी पेंटिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे ये लोकल पेंटिंग है, यहाँ पे कुछ लोग ट्रैकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ का लाइफ स्टाइल इसमें दिखा रखा है, तो बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। रिप्रेजेंट द कल्चर ऑफ कुमाऊँ। या इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द कल्चर ऑफ कुमाऊँ, सो वेरी ब्यूटीफुल।
अभी हम मार्केट की तरफ बढ़ते हुए और ये सारी मार्केट है यहाँ पर। ऑप्शंस आपको बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। अभी हम सलाद ही रहते तो वही खा रहे थे, हम आ गए रेस्टोरेंट में आ गए हैं और ये पूजा दूर भाग रही है। आई एम कैमरा शाय ना, आई एम सोशल अवर्जर नहीं। तो अभी हम यहाँ पर आ गए हैं, काफी अच्छा रेस्टोरेंट है, तो हमने खाना ऑर्डर कर दिया। छोले भटूरे, आलू पराठा, डोसा, वेराइटी में हमने खाना ऑर्डर किया क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। इतना चल लिए हैं हम यहाँ पे, पहाड़ों पे चलना तो रहता ही है। और गाइस ये देखिएगा, ये मैंने नए शेड्स भी खरीदे हैं, तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि ये मुझ पर कैसे लग रहे हैं। तो बच्चे मेरी बेटी के बराबर। थैंक यू शशि। तो अभी खाने का वेट कर रहे हैं। ये यहाँ की छोटी सी मार्केट है, स्टेडियम लग रहा है। ये देखिए पाइन ट्री से बनाए हुए, मार्केट से इधर आते ही आपको यहाँ पर ये श्री माँ नैना देवी मंदिर मिलता है। हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं, तो पहले प्रसाद ले लेते हैं और फिर अंदर चलते हैं। अभी आपने ये इतना सुंदर मंदिर का परिसर देखा। यहाँ से संबंधित एक पौराणिक कथा है कि जो माता सती थी, उन्होंने जब हवन कुंड में जब वो कूदी थी तो उनका जो एक नेत्र था वो यहाँ पर गिर गया था, इसीलिए यह एक शक्तिपीठ है। और अब हम जा रहे हैं फोर्टिंग पे। चल पिंकी, तू किधर पूजा फोटो लेते हुए? यार मैं बना देती तेरी वीडियो यार, ला 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 ला, ला। मैं बहुत मारूंगी, छी गंदा वाली। गाइस बहुत ही सुंदर लग रहा है और वो हमारे फ्रेंड्स है वहां पे जा रहे हैं। और अभी भैया को मैंने वीडियो बनाने के लिए दिया, भैया ने चप्पू छोड़ दिए। रिस्किंग आवर लाइफ टू ले फोन, सी द ब्यूटी, वाओ, सी द ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड। पिंकी कश्ती डूब जाएगी। बहुत सुंदर लग रहा है, अमेजिंग अमेजिंग। और जब भी आप यहाँ पर आए तो भैया के पास, भैया आपका नाम क्या है? मैं बोट चलाता ही नहीं। इसी वाली बोट पे बैठे। ये हमने कौन से मंदिर से लिए? ये नैना देवी मंदिर के पास से हमने लिया, आपको भैया यहीं पे मिलेंगे। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया हमारा। अब तो फोन ले। थैंक यू। और अभी पूरा हाथ घुमा, पूरा हाथ। अच्छा हाथ, अच्छा आप पकड़ो। हाँ अब पूरा घुमाइयो हाथ। अब निचला निचला, ये हाथों को ना सीधे करो। हाँ नीचे दबा दो। हाँ आपके आगे को खींचो, ऐसे खींचो, पूरा नहीं करना है ना, फिर पूरा नहीं खींचो। हाँ अच्छे से कर, मुझे दिया है, अब मैं इनको पैसे कम देने वाली। अरे नहीं पागल, चप्पू कहाँ से मारने को मिल रहे हैं तुझे? लेकिन इसमें बहुत जान लगती है। हाँ, जान स्ट्रेंथ है। चाहिए मसल पावर चाहिए। खाना खा के आई थी, अब मैं इसको उल्टा भी ले जा सकती हूँ क्या? नहीं उल्टा नहीं जाना। ये कश्ती वाला क्या कर रहा, ये तू कर रही है? हाँ ये सारी मेहनत मेरे से ही करवा रहे हैं। हाँ व्लॉगर तो तू ही है ना असली, तो मैं ही यहाँ बोटिंग का काम करने लग जाती हूँ ना। यस गर्मी की छुट्टियां पड़ेंगी, तू आ जियो। दस रुपए का है, ले लेते हैं ना एक वीडियो। मेरे को रेड कलर, मेरे को रेड कलर, मेरे को रेड कलर, मेरे को ऑरेंज कलर है। आ जाओ इधर, आ जाओ। अच्छा रेड कलर नहीं है तो वो फुला के दे रही है रेड कलर। ओह माय गॉड,
ऑरेंज बस मैच नहीं होता ना मेरा इससे। मेरे रुको फिर हमसे लेना आप। किनसे? मेरे को पाएगा वो, देखो देखो। अच्छा वो रेड बना दिया उन्होंने, वो रेड बना दिया। मेरे में से ले लो ना। हां वही तो पहननी तो होगी ना। मेरे पहनना ही है। ओ वाओ, रेड बन के तैयार हो गया। शी फाउंड रेड, वेरी नाइस। डेरी ले लो। बस बस बहुत ठंडी हवा चल रही है और आउच हो रहा और ये हमने हॉट कॉफी ली है और अभी थोड़ी सी धूप निकली है, नहीं तो बादल के नीचे सूरज छुप गया था, धूप नहीं थी, बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी और हम सभी अब कॉफ़ी का मजा ले रहे हैं और ये बहुत ही गर्म है। ये देखिए कैसी है कॉफ़ी, ये हॉट चॉकलेट नॉट कॉफी। और चॉकलेट है? ओके, दिस इज हॉट चॉकलेट नॉट कॉफी। लेट मी ट्राई फर्स्ट देन आई विल टेल यू। ओके, मस्त झकास। मैं तो मोती लग रही मैं इतनी हूं नहीं। हां मेरी मैं सबसे पतली हूं, मेरे कपड़ों में ना जाए मैं। हां मैं बहुत मैं ही सबसे मोटी हूं यहां पे। और मैं ये कॉफी पी पी के अपना वेट गेन कर रही हूँ। आप मुझे नॉर्मल कपड़ों में, दिल्ली वाले कपड़ों में देखिएगा पिक्की के व्लॉग में। दोस्तों की दोस्ती यारों की यारी कब लगने लगी है, पहला नशा पहला कैसे समझाओ तुझे, मेरा पहला पहला प्यार है ये, हो आँखों में एतबार है ये, हो तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं कैंडल बाजार और यहाँ पर आपको हर टाइप की कैंडल मिलेगी। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ये लालटेन में ये सभी कैंडल्स हैं। तो ये हमारा कैफे है और अब यहाँ पर हम चाय पीने वाले हैं। कलरफुल अम्ब्रेला, वाओ। और हम यहाँ से खाना पैक करवा रहे हैं अपना रात के लिए, क्योंकि रात में जाने के बाद इतनी हिम्मत नहीं बचेगी कि हम खाना बना सकें। तो इसीलिए हम खाना पैक करवा रहे हैं। हम यहाँ वीडियो जा रहे हैं घोड़ा खाल मंदिर और ये गोलू देवता जी का मंदिर है। यस, गोलजी देवता भी बोलते हैं और गोलू देवता भी मंदिर कहते हैं। और क्या मान्यता है शशि यहाँ पे? ये न्याय के देवता है उत्तराखंड के। आपको अगर कोई भी विश करनी है, कोई भी कंप्लेंट करनी है, तो आप एक पेपर पर लिख सकते हैं या फिर एफिडेविट बनवा के भी लोग लाते हैं। आइए देखिए। हाँ, और सच्ची में अगर आपके साथ कोई नहीं, हंसने की कोई बात नहीं, अगर सच्ची में आपके साथ कोई अन्याय हुआ है और आप यहाँ पर न्याय की गुहार लगाते हैं तो वो छुट्टी मिली थी हमें बाहर। इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। हाँ तो चलिए चल, अच्छा भी चल रहे हैं, ये बहुत सुंदर होएगा ना यार, बहुत अच्छा लग रहा है ना।
तो गाइस अभी हम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं और शाम का समय हो चुका है और अभी ठंड भी थोड़ा बढ़ गई है। यार हमें भी मंदिर कुछ दिखती क्या? यहाँ पे देखिए बहुत ही सुंदर मंदिर है। मैं और जैसा कि अभी शशि ने बताया कि इस मंदिर की मान्यता है कि अगर आपको कोई भी विश अपनी कंप्लीट करवानी है तो आप एक पेपर पर लिखकर यहाँ पर टांग के जा सकते हैं। तो मैं भी लिखूंगी अपनी विश से महादेव जी ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरी खुशी ऐसे ही बनी रहे, यही लिख के जाऊंगी मैं और महादेव जी हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। ये पीछे का व्यू आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है यार, पहाड़ कितना अच्छा लग रहा है, मजा तो आ गया भी। तो ये नज़ारा आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। उत्तराखंड है ही इतना खूबसूरत, कहीं भी चले जाएं आप ये देखिएगा। मंदिर की परिक्रमा करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे पेपर्स हैं जहाँ पे लोगों ने लिख कर रखा हुआ है यहाँ पे। तो इस मंदिर की मान्यता के अनुसार जो भी आप भगवान जी से बोलना चाहते हैं, जो भी विश करवाना चाहते हैं, जो भी न्याय आप अपने लिए मांगना चाहते हैं, वो ऐसे लिख कर यहाँ पर भगवान जी को समर्पित कर सकते हैं। भगवान जेन्युइन रिक्वेस्ट सुनते हैं ऐसे में। और यहाँ पे तेरे को मिलने का मन था ना, बोल हेलो, कैसा लग रहा है, कैसा हो रहा है शिमला का टूर? तो मैंने अपनी विश यहाँ पर लिख दी है और अब जल्दी से मेरी विश पूरी हो जाएगी। यहाँ पर आकर बहुत शांति मिली, अच्छा लगा। मैंने अपनी विश भी लिख दी है विश मैं नहीं बताने वाली मैंने क्या लिखी है, लेकिन इस मंदिर की खासियत है कि अगर आपकी विश कोई पढ़ लेता है, जैसे मैंने वहाँ पर लगाई और मेरी विश किसी ने पढ़ ली, तो वो विश बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी से कोई मेरी विश पढ़े और मेरी विश पूरी हो जाए।